आदेश और निर्देशों के बावजूद भी गरीबों के हक पर डाका डाले जाने का काम बंद नहीं हो रहा है। लगातार भ्रष्टाचारी के नजारे सामने आ रहे हैं। विकास कार्य के नाम पर पैसों की निकासी की जा रही है, पैसों का बंदरबांट हो जाता है, लेकिन विकास कार्य के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ताजा मामला तहसील केसनी क्षेत्र के ग्राम संसेरगंज से सामने आया है। यहाँ ग्रामीण आज भी नरकीय जीवन जीने पर विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव के कई प्रधान बने और कई अधिकारी भी आए हों, रिपीट, और कई अधिकारी भी आए, मगर किसी ने भी यहाँ सड़क नहीं बनवाई। आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। इसके अलावा जब बरसात होती है तो यहाँ करीब 3 फीट तक जल भराव होने के कारण लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। इस बारे में जब एडीओ पंचायत ओम प्रकाश तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने भी गोलमाल बातें करके घुमा दिया। उन्होंने 1 महीने के अंदर इस सड़क का निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिया है। गली 2003 में बनी थी, पूर्व प्रधान बने, उसके अलावा किसी भी प्रधान ने यहाँ पर गली नहीं बनवाई। मैंने कहा लोगों से, बोले माना ही नहीं। 2-3 प्रधान बदल चुके, लिहाजा ये कीचड़ यहाँ पर ज्यादा रहता है, इसको सफाई होनी चाहिए, तो बननी चाहिए। किसी से कहा अभी तक सिक्योरिटी वगैरह किसी ने देगा? किसी से कहा आप लोगों ने, गांव वालों ने? सिक्योरिटी से कही तो क्या कहा? बना देंगे, बना देंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। किस गांव निवासी हो? इस शमशेरगंज। अभी त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय समिति के गठन के बाद वहाँ प्रधान माननीय उच्च न्यायालय से इससे लेके आ गए और इस समय ग्राम नगर खाते सभी बंद है पूरे ब्लॉक में। उसके लिए नई व्यवस्था डोंगल की चल रही है, जिसमें एस्टिमेट प्राकलन और टेंडर कोटेशन होने के बाद ही कोई कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शासन से रोक होने के कारण अभी कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। पिछले 15 वर्षों से वो जो सड़क जो है वो विकास कार्य नहीं हुआ, उस सड़क पे पानी भरा हुआ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के निकल नहीं पाते हैं, जल भराव आज की स्थिति में बहुत। जो सड़क है वो संभवतः पीडब्ल्यूडी विभाग की अंदर ग्रामीण क्षेत्र में है, मेन रोड है। तो उसके लिए तो जांच की जाएगी, तभी पता चलेगा क्यों नहीं हुआ। फर्जी तो नहीं, अभी इसके पहले माननीय उप निदेशक पंचायत आगरा मंडल आगरा द्वारा जाँच भी की गई थी, जिसमें प्रधान और सचिव के विरुद्ध कुछ रिकवरी भी निकली है, 9 लाख संभवतः की थी, उसी के खिलाफ उनके प्रति कार्रवाई की गई थी। अब क्या आप क्या कहेंगे इस विकास के लिए? अब खाता प्रारंभ होने के बाद ही कोई काम शुरू हो पाएगा, अभी खाते बंद है सब टोटल। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम पैसा विकास के नाम पर दे रखा है और ग्रामीण जो है, ग्रामीणों का विकास भी हो रहा है, लेकिन इस गांव में जो देखा जल भराव है, बच्चे नहीं निकल पा रहे, क्या? तो अभी शासन की रोक है, जब तक नई व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है। नई व्यवस्था में डोंगल लगेगा सचिव का, प्रधान का, टेंडर होंगे, कोटेशन होंगे, एस्टिमेट बनेगा, उसके बाद ही कोई काम प्रारंभ होगा। कब तक हो जाएगा? संभवतः इस महीने के लास्ट तक हो जाए। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश तिवारी।